Tech.com में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे इस doctors.com के जरिए हम आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर से मिलाते हैं जो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं, और आज इसी श्रृंखला में केयर हॉस्पिटल की एक एक्सपर्टाइज डॉक्टर हमारे साथ है, डॉक्टर कमल भुताड़ा सर, और ये है हेड एंड डायरेक्टर ऑफ ICU एट केयर हॉस्पिटल। इनसे बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे इस doctors.com में। सर, बहुत सारी चर्चा हम आपसे करेंगे, और इन्हीं सारी चीज़ों में सर, जिस तरीके से आप जानते हैं कि मानसून का सीज़न है, जैसे ही सीज़न चेंज होता है बहुत सारी बीमारियां आती है, तो वैसे ही जैसे मानसून का सीज़न आ चुका है, हमें ये देखा है कि फीवर के पेशेंट्स जो हैं वो कई ज़्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, क्या होता है, हम लोग रहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री में, और इस ये जो हिस्सा है दुनिया का, इस हिस्से में बहुत सारे इन्फेक्शन या संक्रमण इस सीज़न में कॉमनली होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉइंडिस या हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए, स्क्रब टाइफस या बहुत सारे वायरल फीवर, इन सबको हम कहते हैं ट्रॉपिकल फीवर, और ये दुनिया के इस हिस्से में कॉमनली होते हैं, और ये सीज़न भी इन्हीं इन्फेक्शंस का है। तो जैसे ही मानसून सीज़न शुरू होता है ये सब इन्फेक्शन सडनली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से बहुत सारे फीवर की केसेस अस्पतालों में एडमिट हो रही हैं और OPD में भी देखे जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि फीवर की पेशेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसका मुख्य क्या कारण, क्या कह सकते हैं हम कि क्या कारण है कि फीवर की पेशेंट्स आ रहे हैं? ये जितने भी संक्रमण हैं ये एक से दूसरे को होते हैं, या इस हिस्से में, दुनिया के हिस्से में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से ये इन्फेक्शन होते हैं। टाइफाइड ये गंदे पानी से होता है, खाने पे गंदगी बैठने से होता है, जॉइंटिस या हेपेटाइटिस ये भी इसी वजह से होता है। इस सीज़न में साफ पानी में जो मच्छर रहता है एडिस एजिप्टी, उससे डेंगू होता है। केरला में जीका वायरस भी देखा गया, जिसके लिए भी जो मॉस्किटो वेक्टर है वो भी एडिस एजिप्टी है, वो इंडिया में बहुत कॉमन है। जो मलेरिया है उसका जो वेक्टर है एनाफोलिस नाम का मॉस्किटो, वो भी इंडिया में कॉमनली मिलता है। तो इस सीज़न में ये सब फीवर की केसेस हमारे एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। सर, जिस तरीके से आपने डेंगू के बारे में बताया, आप भी देख रहे होंगे कि दिनों दिन हमारे जो शहर में है डेंगू का फैलाव ज़्यादा पैमाने में हो रहा है। प्रशासन की ओर से भी डेंगू की रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि डेंगू का इतना ज़्यादा फैलाव क्यों, और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेंगू जो होता है वो साफ पानी में होता है। डेंगू का जो मच्छर है एडिस एजिप्टी, उसको ग्रो होने के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। एक 40-50 ml भी पानी रहेगा कहीं पर जमा, उसमें वो वेक्टर की ग्रोथ होगी और वहीं से डेंगू का फैलाव होगा। गर्मियाँ ख़त्म हो गई लेकिन लोगों ने अपने कूलर का पानी हटाया नहीं, छत पे टीन के डिब्बे पड़े हैं जिसमें पानी मानसून का जमा हो रहा है, उसमें डेंगू का जो वेक्टर है, जो मच्छर है वो ग्रो हो रहा है। खुले टायर पड़े, वो टायर में मच्छर पैदा हो रहे हैं। गमलों में पानी के जो गमले, जो पौधों के गमले हैं, गमलों में थोड़ा सा पानी पड़ा है उसमें वो मच्छर जमा हो सकता है। एयर कंडीशनिंग की ट्यूबिंग में पानी है उसमें भी वो मच्छर ग्रो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी, थोड़ा थोड़ा पानी सब जगह जमा है, नारियल की जो खाल है वो अगर कहीं पे पड़ी है उसमें 25-50 ml पानी पड़ा है, उसमें भी वो मच्छर ग्रो हो सकता है। तो ये जो पानी हमारे घरों में, घर के आसपास में कहीं पे जमा है, तो इसको हमको खुद को हटाना होगा। घर की टंकियों को साफ करना होगा, हर 14-15 दिनों में, 10 दिनों में कूलर के पानी को निकाल के 2 दिन उसको सुखाना होगा, उसके बाद उसमें पानी डालना होगा। गमलों में जमा पानी को बार बार खाली करना होगा, छतों पर जाकर देखना होगा कि कहीं छोटा मोटा पानी तो कहीं जमा नहीं है, सो दैट उसमें से वो पानी, क्योंकि इस मच्छर की जो लाइफ साइकिल है वो 15 दिन की है, तो 15 दिन के भीतर हमको वो जो पानी है उसको चेंज कर देना ज़रूरी है, जहाँ पर भी जमा है, सो दैट वो मच्छर है उसकी ग्रोथ ना हो। मच्छर ग्रो नहीं होगा तो वायरस ग्रो नहीं होगा तो हमारे शरीर में डेंगू का वायरस नहीं आएगा। तो रोकथाम के लिए यही चीज़ करना है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़, बच्चों को और सबको ये इस समय पे
स्पेशली डे टाइम में हमने पूरे कपड़े फुल स्लीव्स के पहनने चाहिए, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है। ओके सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर जो जमा पानी है वही कहीं ना कहीं डेंगू का मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि इसी की वजह से यहाँ पे मच्छर का ग्रोथ होती है, उनकी लाइफ साइकिल यहीं से शुरू होती है, तो अगर ये जमा पानी हमने नहीं रखा तो कहीं ना कहीं डेंगू का फैलाव हम रोक सकते हैं। जिस तरीके से डेंगू की हम बात कर रहे हैं सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो डेंगू फीवर है इसके लक्षण क्या है? इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, शुरुआत बुखार से होती है, बदन दर्द से होती है, आँखों के पीछे पुतलियों में बहुत दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। डेंगू में बहुत से बार इंसान के शरीर से पानी बाहर रिसता है, शरीर के बाहर नहीं, जो ब्लड वेसल्स रहती है उससे बाहर निकलता है, जिसको हम कैपिलरी लीक बोलते हैं, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है तो इंसान को चक्कर आते हैं, जैसे ही वो खड़े होता है चक्कर आते हैं, शरीर पर चट्टे आएंगे, शरीर पर स्किन के अंदर में ब्लीडिंग हो सकती है, उससे निशान आ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस हैं तो इंसान का ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो सकता है और शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो मतलब ये सारे जो है ये लक्षण हैं। और जब हम डेंगू का इलाज की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के पेशेंट्स आजकल हम लोग देखते हैं तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जिस तरीके से आपने लक्षण बताए तो अभी खैर हमारे दर्शकों को पता तो चल गया है कि इसके लक्षण क्या है, पर जब हम इसके इलाज की बात करें तो मैं जानना चाहूँगी कि डेंगू का इलाज किस तरह किया जाता है? देखिए, डेंगू वायरस के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन डेंगू जब वायरस जब इंसान के शरीर में होता है तो चार तरह की बीमारियां होती है। एक, आपको सिर्फ बुखार आएगा। दूसरा, आपको बुखार आएगा लेकिन बुखार के साथ में प्लेटलेट भी कम होंगे। तीसरा, बुखार भी आएगा, प्लेटलेट भी कम होंगे और ब्लड प्रेशर भी कम होगा। इसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। और सबसे आखिरी में है, बुखार भी आएगा, प्लेटलेट भी कम होंगे, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग भी होगा। जब ये होता है तो इंसान के अलग अलग ऑर्गन फेल होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। लेकिन ये जो वायरस है इसके लिए कोई एंटीवायरल दवा नहीं है, कोई वायरस की दवा नहीं है। तो जो सबसे पहला चीज़ है, ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। ये वायरस शरीर में आता है और एक 7 दिन में अपने शरीर से निकल जाता है। तो 90-95% ऑफ द केसेस में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेकिन जो रिमेनिंग 5-8% केसेस हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तब हमको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो बाकी की अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस रहती हैं, जो पेशेंट मुख्यतः घर पर रहकर भी ठीक हो सकते हैं, उसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये है, हाइड्रेशन। तो हमने तरल पदार्थ ज़्यादा लेना है, लिक्विड भरपूर लेना है, वो किसी भी रूप में हो लिक्विड भरपूर ले, सो दैट हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा मेंटेन रहे और यूरिन अच्छे से होती रहे। ये चीज़ अगर हम करते हैं और बुखार के लिए सिंपल पैरासीटामोल डॉक्टर की सलाह से अगर हम लेते हैं तो 90% केसेस अपने आप ठीक होती है। तो सर, जिस तरीके से आपने इस डेंगू की इलाज के बारे में बताया और हम लोग जान रहे हैं कि मतलब डेंगू का फैलाव ज़्यादा मात्रा में हुआ है, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डायरेक्ट रुख करते हैं अस्पताल की तरफ, मैं जानना चाहूँगी क्या डेंगू का प्राथमिक इलाज घर पर रह के करना चाहिए या फिर डेंगू के मरीज़ को अस्पताल में जाने की ज़रूरत ही है? नहीं, अगर बुखार आता है इस सीज़न में और सब तरफ अगर हमको डेंगू की केसेस अभी दिख रही है तो हमने घर पे तो पहले दिन से घर पे नहीं रहना है, हमने डेंगू की जांच जरूर करना है, डॉक्टर से जरूर मिलना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट को अस्पताल में भर्ती ही होना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, करीब करीब 90% पेशेंट रेगुलर डॉक्टर से मिलकर घर पे भी स्वस्थ हो सकते हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सेल्फ लिमिटिंग मतलब ये अपने शरीर में वायरस आता है और एक समय के बाद अपना शरीर छोड़ता है थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस करकर। लेकिन 90% केसेस घर पे रहकर भी ठीक हो सकती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर से ना मिले, डॉक्टर से मिले, जांच करें, रेगुलर डॉक्टर को बताएं, समय समय अनुसार जब वो हमें कुछ जांच करने बोलते हैं वो करें और जो ट्रीटमेंट देते हैं वो घर पर लें। डेंगू में एंटीबायोटिक की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया, जो मरीज़ घर पर ठीक होंगे उनको तरल पदार्थ ज़्यादा लेना है, हमारे यूरिन की तरफ ध्यान देना है, सिम्टम्स की तरफ ध्यान देना है, बुखार बदन दर्द है तो पैरासीटामॉल लेना है। लेकिन ये सब इलाज डॉक्टर की सलाह से करें तो कभी भी बेहतर है।
जिस तरीके से सर ने कहा कि अस्पताल जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर हाँ डॉक्टर का कंसल्टेशन बेहद ज़रूरी है डेंगू के केस में। इस बारे में सर ने हमें बताया। असल में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस क्या है और उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। डेंगू फीवर में जो दो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है या तीन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें पहला है प्लेटलेट कम हो जाना। प्लेटलेट ये ब्लड का वो हिस्सा है या वो सेल्स हैं जो आपके शरीर से होने वाली ब्लीडिंग को रोकता है। तो अगर प्लेटलेट कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिस किसी का प्लेटलेट कम हो गया सभी को ब्लीडिंग होगी या सभी को प्लेटलेट चढ़ाना होगा। प्लेटलेट बहुत कम परसेंटेज केसेस में चढ़ाई जाती है। जब आपके शरीर की प्लेटलेट 10 से 15 हज़ार के नीचे जाती है या किसी भी प्लेटलेट के लेवल पे अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो ही प्लेटलेट चढ़ाना चाहिए। प्लेटलेट अगर किसी की 20, 25, 30 हज़ार है और ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, प्लेटलेट चढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया पहला कॉम्प्लिकेशन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है ब्लड प्रेशर कम होना, जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो इसका इलाज एक ही है, ब्लड प्रेशर को ऊपर रखा जाए शरीर में सलाइन या उस प्रकार के दूसरे फ्लूइड्स देकर। बहुत से बार आईवी फ्लूइड्स को शरीर में इन्फ्यूज करना होता है और ब्लड प्रेशर को ऊपर लाना होता है। जब सलाइन के द्वारा भी ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू में रखते हैं और कुछ और दवाइयां देकर ब्लड प्रेशर को ऊपर मेंटेन किया जाता है। ब्लड प्रेशर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते जाएगा तो शरीर का एक एक ऑर्गन फेल होता जाएगा। और जब ऑर्गन्स फेल होते हैं तो डेंगू का जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट कॉम्प्लिकेशन है, जो बहुत रेयर है पर होता है, वो है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग होता है और ऑर्गन फेल होने लगते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको आईसीयू में ही मैनेज करना है। सर, जिस तरीके से आप जानते हैं कि कोविड भी कहीं ना कहीं कोरोना का काल भी चल रहा है, साथ ही में इसमें डेंगू भी जो आजकल हमारे शहर में ज़्यादा फैलाव हो रहा है, तो ये जो कोविड है और डेंगू है, इनके लक्षणों में क्या अंतर है? मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। दोनों के लक्षणों में कुछ चीज़ें समानता है और कुछ चीज़ें अलग भी हैं। दोनों में बुखार आता है, दोनों में शरीर में दर्द होता है, दोनों में थोड़ी खांसी भी हो सकती है, परंतु कोविड में खांसी ज़्यादा होगी। कोविड के मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स में खांसी होगी, डेंगू के बहुत कम पेशेंट्स में खांसी होगी। डेंगू में जो सांस फूलने वाले लक्षण हैं वो बहुत कम मात्रा में 2-3% केसेस में होंगे। कोविड में निमोनिया का परसेंटेज करीब करीब 20-30% केसेस में है, तो उनमें सांस फूल सकती है, ये एक अंतर है। कोविड में लूज मोशंस या डायरिया ये ज़्यादा प्रमाण में ज़्यादा केसेस में होगा, डेंगू में होता है परंतु कम परसेंट केस में होता है। कोविड जो है वो मुख्यतः आपके लंग्स को इन्वॉल्व करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। कोविड जब कॉम्प्लिकेट होता है तो शरीर के सभी अंगों को इन्वॉल्व करता है। तो ये डिफरेंस तो है, परंतु जब ये सीज़न कोविड का भी है और ये सीज़न डेंगू का भी है, तो ये बताना मुश्किल होता है कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है और वो आपके पास में आता है तो ये उस पेशेंट के तरफ देख कर बताना मुश्किल है कि ये कोविड ही है या डेंगू ही है। हाँ, डॉक्टर अपने रोज के अनुभव से बता सकता है कि मोस्ट प्रोबेबल ये डेंगू होगा या कोविड, परंतु अगर बुखार है तो मैं आज भी ये कहूँगा अगर बुखार है तो कोविड की जांच आज भी जरूर करना चाहिए। जिस तरीके से सर ने बताया हमें कोविड और डेंगू में क्या अंतर होते हैं। सर, नागपुर में बीते कुछ दिनों में कहीं ना कहीं कोविड मरीजों की संख्या में कमी आप देख सकते हैं, निरंतर कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। वही उसी बीच लोगों को लग रहा है कि कोविड अभी ख़त्म हो गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सच में कोविड ख़त्म हो गया है, क्या है इसके पीछे की वजह? नहीं, ये बात सही है कि कोविड की केसेस काफ़ी कम हो गई है। पहले आज से 2 महीना पहले ऐसा था कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता जिसको फीवर है तो हम आंख मूंद कर भी बोल देते ये कोविड है और 99% केसेस में वो कोविड निकलता। लेकिन आज पिछले कई दिनों से हमने हमारे अस्पताल में या हमारे कलीग्स ने, डॉक्टर्स ने कोविड की केसेस बहुत कम देखी है। रादर मैंने पिछले 1-1.5 महीने में एक भी पेशेंट नहीं देखा। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोविड ख़त्म हो गया। कोविड अभी भी वेस्टर्न महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रही है, केरला में केसेस है, अमेरिका में थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है, वहाँ रोज़ 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो रही है। तो हमको अभी भी रिलैक्स होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमको हमारी जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अभी भी करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है और कंटिन्यूसली हमारे हाथों को धोते रहना है अगर कहीं टच होते हैं तो। ये 3 चीज़ों का पालन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट,
अनलेस एंड अनटिल जरूरी हो किसी सोशल गैदरिंग में ना जाएं, घर के बाहर तभी जाएं, सोशल जगह पर तभी जाएं जब सही में ज़रूरत है। कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, थर्ड वेव के लिए हम लोगों ने अपने आप को तैयार रखना है, वो कभी भी आ सकती है। जिस तरीके से सर आपने थर्ड वेव की बात की और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि जल्द ही थर्ड वेव आएगी इंडिया में और वो भी बहुत भयावह होगी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये थर्ड वेव को प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, किस तरीके से लोग जो अभी इतने लापरवाह हो रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, किस तरीके से उन्हें भी मेजर्स लेने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया मास्क ये चीज़ है जो आपको कोविड से बचाएगी। दूसरा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग दो अलग अलग टर्म है। फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे जगह ही ना जाओ जहां पर आपकी ज़रूरत नहीं हो या आपके जाने गए बगैर वहां काम ही ना हो सकता हो। अगर ज़रूरी नहीं तो किसी भी सोशल फंक्शन में ना जाए, कहीं पर ना जाए। कुछ समय तक के लिए कृपया कुछ समय तक के लिए संयम बरती है, कुछ महीनों के लिए संयम बरती है, पूरा दुनिया बोल रहा है अभी तो वेट करें, ये वेव अभी फिर से आ सकती है। तो अगर हमको थर्ड वेव को प्रिवेंट करना है तो ये 3-4 चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है तो थर्ड वेव आएगी नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें कही जा रही है। मैं जानना चाहती हूँ आपके आपसे कि क्या ये सच है कि लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है उसकी वजह से थर्ड वेव नहीं आएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में? नहीं, इम्यूनिटी तो स्ट्रांग नहीं है। हाँ, हम लोगों को इन्फेक्शन मिला है, तो जिन लोगों को इन्फेक्शन मिला है, भले ही जब इन्फेक्शन मिला हो उनमें सिम्टम्स हो या ना हो, उनमें एंटीबॉडीज़ बनी हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ हमको कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन देगी। परंतु हमने देखा है कि अमेरिका में 70% वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी थर्ड वेव आई है ना। हाँ। तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत हुआ है, आज के डेट का अगर हम फिगर देखें तो मोर देन 50 करोड़ डोजेस अपने देश में हुए हैं, इतना वैक्सीनेशन अमेरिका में भी नहीं हुआ। हाँ, आप परसेंटेज के मुकाबले देखो तो अमेरिका में ज़्यादा हुआ है, पर हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो अभी जब तक कि अच्छे से वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक कि हम लोगों की कोविड के अगेंस्ट में इम्यूनिटी तब तक नहीं है। Okay. तो जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना गलत है। ओके सर, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कोविड के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो घर पर रह के इलाज करते हैं, लाइक होम आइसोलेशन, तो ये जो मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे उन्हें क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, आज के सीज़न में जब कोविड अभी भी है, डेंगू भी है, कोई भी फीवर को लापरवाही से ना ले। क्योंकि अगर हम कोविड में फीवर बगैर डॉक्टर को बताए, बगैर डायग्नोज किए, बगैर टेस्ट किए अगर घर पे इलाज करते हैं तो हमें मालूम है 7वें 8वें दिन जब वो कॉम्प्लिकेट होगा तब हम अस्पताल में पहुंचेंगे। सेम थिंग इज विथ डेंगू। हम डेंगू में अगर शुरुआती तौर पे हमको मालूम पड़ जाता है कि ये डेंगू फीवर है तो क्या सावधानियां बरतनी है वो हमें मालूम रहेगा, पर अगर हमको मालूम ही नहीं है डेंगू है तो हम 6वें 7वें दिन डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन लेके अस्पताल में पहुंचेंगे तो शायद डॉक्टर भी हमें ना बचा पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कोई भी फीवर अपने डॉक्टर से जरूर मिले, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये पता चल जाता है कि आपको कोविड है तो कोविड में यूजुअली जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो डे 7 के बाद आते हैं। आपने इनिशियल स्टेज में घर पर रहना है, आइसोलेट रहना है, अपने आप को दूसरों से दूर रखना है, बुखार आने पर पैरासिटामोल की दवा लेना है। कोविड के लिए दूसरी कोई दवा अभी नहीं है हमारे पास, पैरासिटामोल बुखार के लिए, बदन दर्द के लिए। थर्ड, हाइड्रेशन अच्छा करना है, डेंगू में भी करना है, कोविड में भी करना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, तरल पदार्थ भरपूर लेना है। नंबर चार, हमने हमारा ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से हमारे ब्लड का ऑक्सीजन का परसेंटेज देखते रहना है। जब तक कि हमारा ऑक्सीजन परसेंटेज 95 या उसके ऊपर है हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और हर तीसरे चौथे दिन हमने हमारे डॉक्टर से जाकर मिलना है, हमें कोविड है तो भी, कि क्या स्टेप मैंने आगे उठानी है। जब डॉक्टर आपको चेक करेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि क्या आपने होम आइसोलेशन कंटिन्यू रखना है या आपने अस्पताल में एडमिट होना है, ठीक है ना। तो जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ओके
जिस तरीके से सर आपने बताया कि होम आइसोलेशन मरीज को कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो बहुत बार मतलब देखा गया है कि लोग वैक्सीनेशन में भी डिफरेंस करते हैं, कहते हैं कि ये वैक्सीन अच्छी है, ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, ये वैक्सीन लोगे तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और अगर ये वैक्सीन लोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी खबरें ऐसी हम सुनते हैं, तो मैं आपको आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी वैक्सीन असल में बेस्ट है। मैं इस चीज़ को, इस सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहला, जो आपने पूछा कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स, मुझे ये बताइए कि हमारे देश में हम सभी बच्चों को नेशनल प्रोग्राम के तहत 6 से 8 वैक्सीन दिलाते हैं। हाँ। कुछ वैक्सीन ऐसी है जो प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है, परंतु फिर भी वो वैक्सीन हम 10 साल की उम्र तक हमारे डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमारे बच्चों को देते हैं। तब हम कभी भी डॉक्टर को ये नहीं पूछते कि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, लेकिन बच्चों के लिए हम नहीं पूछते। और जब हमारी बारी आई है वैक्सीन लेने की, तो हम पूछते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और उस वजह से हम वैक्सीन नहीं ले रहे। ये गलत है। जब आपने आपके बच्चों के वक्त नहीं पूछा, तो खुद के लिए क्यों पूछ रहे हो। हाँ, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट मालूम रहना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं जो 100% सेफ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन लेंगे तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। कोई भी वैक्सीन लो, आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला, बदन दर्द। बच्चों को भी बदन दर्द होता है जब वो वैक्सीन लेते हैं, बट वो कभी तो बोलते नहीं, वो रोके चुप हो जाते हैं। और हम व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर रहे हैं कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दूसरा, फीवर। फीवर आया भी तो मैक्सिमम 48 घंटे तक रहेगा, उसका भी इलाज सिंपल है, पैरासीटामोल लीजिए, रेस्ट करिए। बच्चों को भी बुखार आता है वैक्सीन लेने के बाद, और जब वो रोता है तो हम डांट देते हैं और पैरासीटामोल दिला देते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, जो सवाल हमने हमारे बच्चों के वक्त नहीं किया, वो खुद के लिए क्यों कर रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत छोटे हैं, उसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बट उसके लिए वैक्सीन ना लें ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नंबर दूसरा सवाल, कौन सा वैक्सीन सबसे अच्छा है। आज अपने देश में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं, चौथी आ रही है। पहला वैक्सीन है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन, तीसरा है स्पुतनिक, और अभी चौथा गवर्नमेंट और अप्रूव कर रही है। मेरे हिसाब से सभी वैक्सीन इक्वली गुड हैं। जो वैक्सीन आपको पहले मिलती है, वो वैक्सीन अपनी बारी आने पर तुरंत जाकर लेना है। 2 वैक्सीन में डिफ्रेंशिएट ना करें कि मैं स्पुतनिक मिलेगी तो ही लूँगा, मैं कोविशील्ड मिलेगी तो ही लूँगा, कोवैक्सीन मिलेगा तभी लूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वैक्सीन हमें, ये देखना है हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पहले वैक्सीन ले। जब सब लोग वैक्सीन लेंगे, तो वो वायरस जो है वो एक से दूसरे के शरीर में जाने के लिए उसको जगह ही नहीं मिलेगी। तो जब वो वायरस को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड पर्सन है, या वैक्सीन लेने के बाद अगर वो शरीर में वायरस आता भी है तो वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम कर देगा वैक्सीन। तो हमारा सबसे पहला काम है, जो वैक्सीन मिलता है वो ले लीजिए। मेरे घर में मैंने कोविशील्ड ली, बेटे को कोवैक्सीन मिली तो उसने कोवैक्सीन ली, और मदर को स्पुतनिक मिली तो उन्होंने स्पुतनिक ली। जो वैक्सीन पहले मिली हमने वो ली, कोई फर्क नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन पहले मिल रही है बस वो लो, क्योंकि वैक्सीनेशन कराना कहीं ना कहीं कोविड की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर, बीते कुछ दिनों से एक नए डिसीज के बारे में भी मतलब चर्चाएं हो रही है, स्क्रब टाइफस ऐसा कोई डिसीज है, इसके बारे में मैं बस आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है और क्या इससे मतलब कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। स्क्रब टाइफस ये नई बीमारी नहीं है, ये अपने देश में बहुत कॉमन है। बस एक ही चीज़ है कि इसका डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो पाता, परंतु अवेयरनेस बढ़ने के वजह से कई डॉक्टर्स अब इसकी रेगुलर टेस्ट भी कर रहे हैं। ये कॉमनली इस सीज़न में होता है, जब आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ती है, हम नंगे पैर घास पर चलते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो ऐसे वक्त क्या होता है कि एक बहुत छोटा कीड़ा रहता है, माइट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। वो माइट जब हमको काटता है, तो काटने के बाद वो हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया छोड़ता है, उसको बोलते हैं ओरिएंटालिस सुत्सुगामुशी। ये बैक्टीरिया जब शरीर में जाता है तो ये पूरे शरीर में फैलता है, और जब ये शरीर में फैलता है, ये दिखाई कहीं नहीं देता है शरीर में, उसके सिर्फ ब्लड टेस्ट में मालूम पड़ता है, ये दिखाई कहीं नहीं देता, उसको ग्रो करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये पूरे शरीर में ब्रेन से लेके तो आपके लीवर तक, और किडनी से लेके तो आपके लंग्स तक, सभी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। पहले 5-7 दिन
चार पांच दिन में उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, परंतु अगर ये बीमारी में बीमारी को पकड़ने में देर हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस होकर अलग अलग ऑर्गन फेल हो सकते हैं। और बहुत कॉमन है ये बीमारी, अगर हम सस्पेक्ट करते हैं तो इलाज बहुत आसान है, बहुत आसान और बहुत सस्ता इलाज है जिसके लिए भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु हाँ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो भर्ती करना पड़ता है। और कॉम्प्लिकेशंस सेम जैसे डेंगू में होते हैं, बल्कि डेंगू से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। प्लेटलेट कम हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, ये ब्रेन पे असर करता है, कोमा में भी आ सकता है पेशेंट, किडनी में असर करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लीवर पे भी असर हो सकता है। तो जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट आसान है, इलाज बहुत आसान है। ओके सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय की पाबंदियां हमें है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से डेंगू और ये कोविड जिस तरीके से है, संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे वेदर में मॉनसून का क्योंकि सीज़न है, तो इसमें प्रिकॉशंस उन्हें क्या लेना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने पहले आपने जो मुझे सवाल किया सबसे पहला, उसमें मैंने आपको बताया था हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं और इस सीज़न में हमारे देश में कुछ इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके वजह से हमारा जो समय बर्बाद होता है, हमको बुखार आने पर हमको अस्पतालों में एडमिट होना पड़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमको कुछ चीज़ें करनी होगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमको हमारे खान पान पर ध्यान देना होगा, घर के बाहर इन सीज़न में इन चार पाँच महीनों में तब तक ना खाएं जब तक कि हम अपने आप को रोक ना पाए, ठीक है? क्योंकि हम जब भी बाहर खाते हैं वो खाने की क्वालिटी कैसी हो, उसके ऊपर क्या बैठा है, मक्खी बैठी है नहीं बैठी है, हमें मालूम नहीं। तो जब हम बाहर घर के बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, जो कि स्ट्रीट फूड कहलाता है, वो अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमें टाइफाइड नहीं होगा, हमें हेपेटाइटिस नहीं होगा, हमें ये बीमारियाँ नहीं होगी। डेंगू की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, हम हमारे घर से ही शुरुआत कर सकते हैं, हम हमारे घर में ही उस मॉस्किटो को ग्रो होने से रोक सकते हैं। कोविड की रोकथाम के लिए जो तीन चार चीज़ें हमें करनी चाहिए उसका हमको ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ को बार बार धोना है। वैक्सीन के बारे में जो फैल रही दुष्प्रचार जो चल रहा है उससे बचना है और हमारी बारी आने पर तुरंत वैक्सीन लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी बुखार को छोटा बुखार समझकर नेग्लेक्ट ना करें, ये कोविड भी हो सकता, ये डेंगू भी हो सकता, ये स्क्रब टाइफस भी हो सकता, जिसमें जब तक कि आप डॉक्टर से ना मिले यूजुअली इलाज संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारी केसेस घर में ही ठीक होगी, सबको भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं, इन बीमारियों में 90% पेशेंट्स घर पे ही ठीक होते हैं, परंतु इलाज अगर हम डॉक्टर की सलाह से करें तो वो कभी भी बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि अगर डेंगू की रोकथाम करनी है तो जमा पानी को मतलब ना रखें, कूलर में पानी है या फिर कहीं भी पानी कॉन्सेंट्रेट है उसे ना रखें और जल्द से जल्द उसे साफ करें। और कोविड की रोकथाम के लिए भी बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सैनिटाइज़र और हैंड वॉश से खुद के हाथों को साफ रखना है। बस यही कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिनसे डेंगू और कोविड की रोकथाम हम आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर सर कमल सर हमारे साथ थे, बहुत सारी बातें की इनसे हमने आज और बहुत कुछ आपसे हमने जाना, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज के हमारे इस doctors.com शो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार, नमस्कार।